हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आरओएआरओ और यूपीपीएससी 2024 की एग्जाम डेट को लेकर के बात करने वाला हूँ। अभी दो तीन दिन से अगेन फिर से मैसेजेस आने लगे हैं, मेल भी काफी लोगों के आए थे कि आरओएआरओ की जो डेट वगैरह है, यूपीपीएससी की जो डेट वगैरह है, वो क्या जुलाई में होगा, जून में होगा, और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आने लगी थी। तो मैं पक्का समझ गया था कि पक्का कुछ ना कुछ या तो पेपर में निकला है या इस पर वीडियोज़ बहुत ज़्यादा बने हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि इधर करीब दो तीन हफ्तों से नहीं आ रहे थे। सबको पता था कि यार ठीक है, चीज़ें किस तरह से होने वाली हैं, क्या है, और लोग पढ़ भी रहे थे उसके लिए, प्री और मेंस दोनों को टारगेट करके चीज़ों को तैयार भी कर रहे थे। फिर मैंने चेक किया तो देखा कि अच्छा पेपर में निकला हुआ था, अभी दो तीन दिन पहले की बात है, आई एम नॉट वेरी श्योर किस दिन की बात है, किस तारीख को ऐसा हुआ था, बट हुआ था। तो पेपर में निकला था, उन्होंने बोला हुआ था कि आरक्षित तिथियों पर हम एग्जाम कराएंगे। तो ठीक है, आरक्षित तिथियों पर एग्जाम होगा, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि जून और जुलाई में एग्जाम होगा, तो ये तो ऐसे ये भी कह रहे थे कि 17 मार्च को पीसीएस का एग्जाम होगा। आपको याद होगा ना, जब आज से दो महीना पहले जब 17 मार्च को यूपीपीएससी 2024 का एग्जाम होना था, सो यही तो चीज़ थी ना, उसमें क्लियर तो नहीं था, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और भी आपको जो विश्वास सूत्र हैं, जो आपको ढंग की चीज़ें बताते हैं, वहाँ पर उन्होंने भी बताया था। ऐसा नहीं है कि मैंने बता करके उन्होंने कोई ऐसा आपको जैकपॉट आपके सामने खोल दिया था, बहुत लोगों ने आपको बताया था कि यार ऐसे ऐसे आपका पेपर नहीं होने वाला है, तो वो चीज़ सही निकली थी। सो पेपर के बेसिस पे मत जाओ कि पेपर में क्या निकला है, पेपर में कुछ भी छाप देते हैं। अभी आज का अगर मैं पेपर उठाकर आपको दिखा दूं ना कि कितनी उसमें एरर है, कितना क्या है, तो सामने सामने दिखा दूंगा कि देखो इन्होंने ये यहाँ पर फैक्ट गलत दिया है, यहाँ पर ये चीज़ गलत दी है, यहाँ पर इन्होंने इसमें प्रूफ रीडिंग नहीं की है। तो वो होता है, सब ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा मत जाओ, पहली चीज़ तो ये है पेपर के बेसिस पे। पेपर आपको जब बताया था तभी होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, अक्टूबर नवंबर आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, अक्टूबर नवंबर में होना है, अब उसमें डेट्स जो है वो आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकती है, वो आयोग का काम है, ठीक है। तो वो उन पर ही रहने दो, उनकी जो गरिमा है, जो डिग्निटी है, जो उनका एक यू नो एक चीज़ है, उनकी जो सिस्टम है उनका, उनको उनके हिसाब से रहने दो। रही बात कैलेंडर की, कैलेंडर क्यों नहीं आ रहा है, बन के रखा हुआ है, बन के रख गया है, बस वो रिलीज़ करना है, चेयरमैन ने ये बोला है, वो बोला है, जो भी है। देखो यार, जब तक अभी ये इलेक्शन वगैरह चल रहा है, प्रोसेस थोड़ी ढीली ही है, जब इलेक्शन वगैरह का रिजल्ट फाइनल हो जाएगा उसके बाद में आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। अभी मई में कैलेंडर आने के चांसेस मुश्किल है, कैलेंडर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं है। आपको जो एग्जाम देने हैं आप उसको लेकर के फोकस रहो, लेकिन जैसे अगर आपको यूपीपीएससी से आरओएआरओ देना है तो उसको लेकर के आप श्योर रहो कि ओके ठीक है, इस समय होना है, थोड़ा आगे पीछे होगा उतना मैनेज कर लेंगे, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने, ये आपको बात समझनी पड़ेगी। मेरे जितने भी प्लान्स हैं, जो भी मेरे फ्री प्लान्स हैं, जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हुई हैं, जो भी बैच वगैरह चल रहा है, जो भी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ, उसमें कहीं पर भी मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहिए और आप सिर्फ और सिर्फ मेंस पढ़िए और प्री ना पढ़िए। मेरा पहला फोकस प्री पर है, क्योंकि मेंस आप स्टिल कर लोगे, मेंस में कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत अगर आप करते रहोगे तो आप कर ले जाओगे। प्री में भीड़ बहुत ज़्यादा है, 6 लाख 8 लाख 10 लाख लोग अगर रहते हैं, मान लो अगर 11.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, 10.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है आरओएआरओ में, और 5.5-6 लाख लोग अगर फॉर्म मतलब एग्जाम दे रहे हैं, बहुत से लोगों ने इस बार दिया नहीं था क्योंकि तैयारी नहीं थी, अब और लोग देने वाले हैं, तो ऑब्वियसली ये नंबर थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, ऐसी एक संभावना है। सो वहाँ पर प्रीलिम्स निकालना बहुत अपने आप में चैलेंजिंग होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मेंस का आप एक बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दें ठीक है, लेकिन प्रीम तो 3.5-4 घंटे डेली पड़ी है, इसीलिए मैंने आपको बोला भी हुआ है कि 6 घंटे से ज़्यादा दीजिए, क्योंकि जब आप 3.5-4 घंटे प्री को देंगे तभी आप 2.5-3 घंटे मेंस को दे पाएंगे, तभी आपका प्री और मेंस दोनों तैयार होगा। और अगर आप आरओएआरओ और यूपीपीएससी दोनों को टारगेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरा एक में तो हो ही जाए शॉर्ट शॉट, तो फिर आपको 7-8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, कभी कदार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ये बेसिक आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो इसलिए प्री और मेंस दोनों को अच्छे से करिए, मेरी जितनी भी चीज़ें हैं उसमें मैंने प्री को वरीयता दी हुई है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो जितने भी लोग मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, उससे उनको फ़ायदा होता है, मुझे नहीं लगता कि उसमें से किसी को भी ये डाउट होगा कि एग्ज़ाम जून में होने जा रहा है, जुलाई में होने जा रहा है, या ये सारी चीज़ें। जो लोग इधर उधर भटकते हैं, 10 जगह चीज़ें देखते हैं, पेपर को देखते हैं, फिर 10 चैनल्स पर वीडियो देखते हैं, फिर उनको ऑब्वियसली कन्फ्यूजन होगा। तो यू नो उनको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, तो आपके ऊपर है, आप समझदार हो, 18 बरस के हो चुके हो, तो आप यू नो बहुत आप बड़े एग्जाम देने जा रहे हो जहाँ पर बहुत कॉम्पिटिशन है। सो अगर आप इतना समझदारी से काम नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको फिर एग्जाम में हैवली कॉस्ट कर सकता है। सो ये आपको देखना पड़ेगा कि एग्जाम को लेकर के आप सिर्फ डेट्स को लेकर के देखने वाले हो या फिर आप एक्चुअल में जो टाइम आपके पास है उसको यूटिलाइज करने वाले हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको समझना है। पेपर पर बहुत ज़्यादा जाओगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, पेपर में आए दिन कुछ भी निकलता रहेगा, तो उसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बाकी जो डेट्स वगैरह हैं उन पर आपको उनके हिसाब से आपको तैयारी करनी है, उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इधर उधर ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर आप भटकोगे 10 जगह इधर उधर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे कंपटीशन से बाहर हो जाओगे आप। कंपटीशन देखा जाए तो बहुत टफ है, देखा जाए तो नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेन चीज़ें हैं जहाँ पर ध्यान देना चाहिए, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करने की बजाय इधर उधर चीज़ों में भटके हुए हैं, एंड वो उसको लेकर के बहुत लेथार्जिक हैं, लाइक उतना सीरियस नहीं है। सो इसलिए उन चीज़ों पर अगर आप काम करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एग्जाम की डेट को लेकर के आपको परेशान होना है या कैलेंडर को लेकर के परेशान होना है, आपके पास अभी इतना टाइम है कि उसमें आप प्री और मेंस आराम से कर लें। तो यहाँ से भी अगर आप गियर अप कर देंगे, थोड़ा स्पीड अप कर देंगे अपनी चीज़ों को, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी अगर आपको लगता है कि जुलाई में एग्जाम होगा तो जुलाई मानकर तैयारी कर लीजिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ चले ठीक है मैंने आपकी बात मान ली कि जुलाई में एग्जाम हो रहा है, मान लिया, एक पल को मान भी लिया, तो आप जुलाई मान करके तैयारी करिए, फिर आपको इधर उधर यू नो कन्फर्म करने की जरूरत नहीं है। और रही बात यह कि
मेंस छोड़ दें फिर प्री करें, आप पहले प्री को करो, पहले प्री को करो। अगर आपके पास 4 घंटे हैं तो मेंस मत करना, वो इंसान सबसे गलत जगह हाथ पैर मार रहा होगा, जो जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे पढ़ने के हैं, या किसी इंसान के पास अगर पूरे दिन में काम हम निपटाने के बाद सिर्फ 3.5-4 घंटे बचते हैं और वो मेंस की तैयारी कर रहा है, आप फेल हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है उस मेंस की पढ़ाई का। क्योंकि पहले 4 घंटे आपके पास हैं तो आप उसमें पहले प्री पढ़ो और फिर आप उसमें से 2-2.5 घंटे और निकालो, उसमें मेंस तैयार करो। आपने 3.5-4 घंटों में अगर सिर्फ सिर्फ मेंस को पढ़ा और आपने प्री को नहीं पढ़ा तो पहले तो आपको प्री देना है ना, पहले तो आपको मेंस देना नहीं है। और UPPCS का जो एग्जाम है ना प्री का या RO का, उसमें फैक्चुअल नॉलेज आएगी ही आएगी, कोई आपको कितना भी बता ले, लेकिन पेपर्स के बेसिस पे जाओ, जो 11 फरवरी को पेपर हुआ है उसमें देख लो, चाहे आप नेक्स्ट टाइम जो पेपर होगा उसमें देख लेना, फैक्चुअल कंटेंट कभी नहीं हटेगा। ठीक है, स्टेटमेंट वाली चीजें आ जाएंगी, मान लो 140 क्वेश्चन आते हैं RO में, 25 क्वेश्चन आ जाएंगे, 40 क्वेश्चन आ जाएंगे, चलो मैंने मान लिया आधा पेपर आ जाएगा, 70 क्वेश्चन आ जाएंगे, 70 पेपर क्वेश्चन तब भी फैक्चुअल आएंगे, और वो 70 क्वेश्चन जो फैक्चुअल होंगे ना उसको अगर आपने ढंग से नहीं किया और उसमें आपका अगर हिट रेशियो अच्छा नहीं है, आपका किसी कीमत पर प्री नहीं निकलेगा। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि पहले प्री को टाइम दो, उसके बाद आपके पास अगर टाइम बचता है या आपके पास अगर सामर्थ्य बचता है तो फिर आप बाकी की चीजों पर ध्यान दीजिए, पहले मेंस पर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको हैवली कॉस्ट करेगा। थैंक यू सो मच।